हेलो वेलकम गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉग्निजेंट के द्वारा किए जा रहे हायरिंग के बारे में। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉग्निजेंट एजेंसी नेक्स्ट के लिए हायरिंग करने वाली है 2022 पास आउट बैच के लिए। अगर आप 2022 पास आउट बैच के स्टूडेंट हैं तभी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको अप्लाई नहीं करना है। तो हम लोग इस वीडियोज़ में आपको सारा स्टार्ट से लेके सारे कितने जॉब प्रोफाइल्स हैं सारे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कॉग्निजेंट बहुत सारे प्रोफाइल्स के लिए इस बार हायरिंग करने वाली एजेंसी नेक्स्ट के लिए। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कॉग्निजेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो एन सुपर सेट की वेबसाइट पे जो कॉग्निजेंट ने डाल रखा है 2022 कैंपस हायरिंग के लिए। अगर इनमें आप देखोगे तो ये किन किन रोल्स के लिए, जो किन किन जॉब के लिए ये हायरिंग करने वाली है, तो बहुत सारे यहाँ पे मेंशन है। जैसा कि आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे होगा, एडवांस जावा डॉट नेट पाइथन डेवलपर फुल स्टैक इंजीनियरिंग जावा या डॉट नेट डिजिटल यूज़र एक्सपीरियंसेस आईओटी के लिए है, डेटा साइंटिस्ट के लिए है, एडवांस सी एंड यूनिक्स डेवलपर के लिए है, AWS इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के लिए है, गूगल इंजीनियर के लिए है, साइबर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस इंजीनियर क्वालिटी इंजीनियर, इन सारे के लिए जो है हायरिंग करने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी सारे स्टूडेंट के लिए है जो 2022 पास आउट हैं, ये बात आपको ख्याल रखना है। और इसमें अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई करने के लिए आपको इस अप्लाई नो बटन पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। सारे इन्फॉर्मेशन सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद तो इसमें आपको रजिस्टर करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, वो सारे आपको बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सारे बताएंगे। तो आप इस चैनल में बने रहें। तो इससे पहले आप एक काम कर लो, आप वीडियोस को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ये सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियोज मैं बनाऊँगा तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, वो एकदम वरी में परेशान है। तो दोस्तों आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा बताऊँगा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको क्या आपके पास आप किस स्ट्रीम से पढ़ाई किए हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप सॉफ्टवेयर लाइन में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हो तो अगर आपके पास स्किल्स है तो आप उस स्किल्स के बेस पे बस आपको एक एग्ज़ाम देना है और आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट वो कंपनी आपका वो एग्ज़ाम देख के आपको सेलेक्ट करेगी उसके लिए इंटरव्यू के लिए। तो मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, अभी मैं उस पर जो है सारा अभी अच्छे से रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका हायरिंग प्रोसेस देख लेते हैं, हायरिंग वर्क फ्लो इन्होंने दे रखा है वो देख लेते हैं। तो सिंपल सा बात है कि फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, रजिस्टर करने वक्त आपको एक रोल सेलेक्ट करना होगा, एक प्रोफाइल सेलेक्ट करना होगा नेक्स्ट एजेंसी नेक्स्ट के लिए, इन सारे प्रोफाइल में से कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। ये सेलेक्ट कर लोगे, बाकी सारा डिटेल्स फिलअप करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपका फर्स्ट राउंड का असेसमेंट होगा। ये फर्स्ट राउंड का असेसमेंट कब होगा, तो नेक्स्ट कुछ दिनों में होगा और आपको इसके लिए ईमेल मिल जाएगा, ये अभी डेट फिक्स नहीं है। ये फर्स्ट राउंड जो असेसमेंट होगा, ये फर्स्ट राउंड आपको डिसाइड करेगा, आप फर्स्ट राउंड आप डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन यानी आपका इंटरव्यू जेंसी नेक्स्ट के लिए होगा या फिर आपका इंटरव्यू एक जेंसी एलिवेट जो कि नॉर्मल सिंपल सा पैकेज है उसके लिए होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं जेंसी नेक्स्ट का पैकेज तो अच्छा है, 7+ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट राउंड के बेस पे जो है यहाँ पे देखो उनके लिए अर्ली लिखा हुआ है कि मिट्स जेंसी नेक्स्ट कट ऑफ स्कोर, तब आपका इंटरव्यू होगा किसके लिए होगा, जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल के लिए। अगर कट ऑफ आप जेंसी नेक्स्ट का नहीं, मतलब कट ऑफ क्रॉस करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जेंसी एलिवेट का कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो आपको जेंसी एलिवेट का इंटरव्यू होगा जो कि सेप्टेम्बर में इंटरव्यू होने वाला है। सेप्टेम्बर में इन्होंने मैंसन भी कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। और इसका इंटरव्यू तो अभी ही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, आप इंटरव्यू अगर देते हो, इंटरव्यू में आप सक्सेसफुली आपका इंटरव्यू हो जाता है अगर, ठीक है, इंटरव्यू में भी आपका अच्छा स्कोर रहता है तो आप जेंसी नेक्स्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल जेंसी नेक्स्ट हो जाती है। अगर अच्छा प्रोफाइल आपका नहीं रहा इंटरव्यू में परफॉर्मेंस उतना बेहतर, तो आपको क्या होगा जेंसी एलिवेट मिल ही जाएगा हर हाल में, ठीक है। तो ये इसका हायरिंग प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एलिजिबिलिटी में अगर आप देखोगे तो 2022 पास आउट स्टूडेंट जो है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं अप्लाई कर सकता। उसमें भी अगर आप बीटेक एमई एमटेक एमसी एमएससी से हैं तो ही आप एलिजिबल हैं, तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई चांस नहीं है अप्लाई करने का, ठीक है। बाकी और जो मेजर आपका रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको 60% ओवरऑल हर सेमेस्टर में हर एग्ज़ाम में होना चाहिए, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, आपको 60% होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपको अप्लाई कर लेना है। एजुकेशन गैप अगर आप देखोगे तो 2 ईयर तक कंसिडर है। अगर आपको एजुकेशन गैप में गैप अगर 2 ईयर्स का भी है तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और इन्होंने कह रखा है कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग रिक्रूटर शुड हैव एन ओवरऑल रिक्रूट्स
should have an overall aggregate score of 60% or greater. All subject will be taken into consideration with no standing areas. तो आपको ज्वाइनिंग से पहले तक सारे बैकलॉग्स क्लियर कर लेने हैं और आपका ओवरऑल जो है 60% होना चाहिए या इससे ज़्यादा, ठीक है। एग्रीगेट फॉर द स्टूडेंट हु हैव अप्लाइड फॉर री एवेल्यूशन एंड आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट विल बी डिराइव्ड बेस्ड ऑन द इनिशिएट स्कोर। तो इससे पहले जो आपका स्कोर रहेगा उसी के बेस पे आपका होगा। बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है इंटरव्यू के लिए, तो आप देखोगे आपके CV विद दो पेजेज, मैक्सिमम दो पेजेस का आपको CV चाहिए, हाई रिजोल्यूशन पासपोर्ट फोटो आपके CV पे लगे होने चाहिए, बैग एंड क्लीन इन लाइट बैकग्राउंड विद द ईयर ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी विजिबल ईयर ऑफ कैंडिडेट भाई, और आपके कॉलेज ID कार्ड होने चाहिए, और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग स्कूल सर्टिफिकेट एंड कॉलेज सेमेस्टर मार्कशीट होने चाहिए, गवर्नमेंट ID प्रूफ, आधार कार्ड से काम चल जाएगा आपका। बाकी आपको रजिस्टर करते वक्त भी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको नेसेसरी हैं, आपको डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। तो दोस्तों इसका लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है, आप जितना जल्द इसमें अप्लाई कर सकते हो आप उसमें अप्लाई कर लो, बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से भी आके ये अप्लाई करने का लिंक देख सकते हो। तो अप्लाई करने का लिंक कहां है, तो यहां पे अगर आप देखोगे सिंपली टू अप्लाई क्लिक हेयर, यहां पे आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा था वो वहाँ पर था ही। तो अप्लाई क्या करना है आपको, अप्लाई बस करने के लिए यहाँ पे आपको बस रजिस्टर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसमें अप्लाई कर देना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।